आप जैसे देख यू आर कंफर्टेबल, यू आर फीलिंग कंफर्टेबल, आई विल टेक दैट क्लास। हाँ बिल्कुल यस मैम, मैंने आपको वो भेज दी थी हाँ सब। चातुर्य माया। आपके पास बुक है? चलिए यस मैम मेरे पास है बुक। तो मैं अपने इसमें से पढ़ा देती हूँ। ठीक अकबर बीरबल की चतुरता आपने पढ़ रखा है, सुन रखा है, हिंदी यस मैम में भी पढ़ा होगा और वैसे भी स्टोरीज पढ़ी होगी उसकी। अभी पीडीएफ में निकलता है इसको, अभी कर लेते हैं। अकबर और बीरबल के चुटकुले भी बहुत पसंद है लोगों को, और यस क्योंकि बीरबल ना बहुत इंटेलिजेंट माना जाता था। बात बहुत अच्छी करता था। बीरबल से लगाकर उसका हिंदी में अर्थ निकलता का, बीरबल का या बीरबल की, का के की। ठीक है, तो जहां पे जो चीज लग जाए वो लगा दो, जहां पे का लगे वहां का लगाओ, लेकिन बीरबल के साथ लगेगा बीरबल की। बीरबल चातुर्य की माने, चातुर्य माने चतुरता, हाँ चतुरता मतलब होशियारी, होशियारी चलिए ठीक है। है ना। समायाम अकबर हा बीरबल हा सभा सदा च। समायाम माने सभा में, लिख उसके ऊपर सभा में ठीक है मैम। अकबर बीरबल सभा सदा माने बहुत सारे सभा के सदस्य, ये बहुत बहुत सारे हाँ सदस्य हैं। चय माने और, तो चय हमेशा संस्कृत में बाद में लगता है, हिंदी में तो पहले ही बोलते हैं ना और सभासद, लेकिन संस्कृत में सभा सदा च ऐसे आएगा। ठीक है अकबर बीरबल मम शरीर से सर्वेशु अंगेशु केशा संति, किंतु मम कर्तव्य हो केशा किमर्थम न संति। बीरबल मम माने मेरे, लिखते जाएंगे सबका हाँ तो मैम समझ में आएगा। अच्छा, बीरबल बीबल मम माने मेरे शरीर से, मेरे क्या माने के, शरीर के, सर्वेशु शरीर अंगेशु, सर्व माने सारे, सप्तमी विभक्ति का बहुवचन, सारे अंगेशु माने अंगों में, यानी के बॉडी पार्ट्स में, अंग माने बॉडी पार्ट्स, सब अंगों में आप बस इतना ही लिख हेलो हेलो। यस मैम, अब आपकी आवाज आ रही है। मैं ठीक आपका चैनल पर गया था। हो गया होगा वो, आजकल थोड़ा सर्दी के मारे ऐसा हो रहा है। सर्वेशु अंगेशु सब अंगों में, केशहा यानी बहुत सारे बाल, बहुवचन है। अच्छा, संति, संति माने हैं, संति जो हाँ होता है के ऊपर अंग की बिंदी लगेगी। हाँ किंतु मम कर्तव्य हो, किंतु किंतु मतलब बट, हाँ मम माने मेरे, करतल्यो माने हथेली। हाँ देखो ये होता है करतल, मैं आपको दिखा रही हूँ ना, आई एम शोइंग यू, कर हाँ का ये तल होता है, हथेली कहते हैं ना हिंदी में, है हाँ मैम कहते हैं ना, संस्कृत में करतल कहते हैं, हिंदी में भी करतल कहते हैं। करतल्यो केशा किमर्थम न संति, दोनों हाथों की हथेलियों में केशा बाल, किमर्थ माने किस लिए, ना संति किस लिए नहीं है, लेकिन हथेली में बाल किस लिए नहीं है, मेरे बॉडी के सब पार्ट्स में बाल है, होते हैं ना, हाथ पे भी हाँ बाल, मैम पैरों पे भी होते हैं, सबके ही होते हैं, और हाँ जब बड़े हो जाते हैं 18-20 साल के बच्चे तो उनके तो माउस्टेश बात वगैरह निकल आते हैं ना, शेव हाँ वगैरह मैम हो जाती है, तो वो कह रहे मेरी हथेलियों में बाल क्यों नहीं है। बीरबल से उसने पूछा, बीरबल
चिंतित्वा, चिंता कर सोच करके, त्वा लगाने का मतलब होता है करके, सोच कर बोला। क्या बोला? महोदय, महोदय का मतलब सर, जैसे आप इंग्लिश में कहोगे सर तो संस्कृत और हिंदी में कहते हैं महोदय, महोदय का महोदय ही लिखोगे आप। ठीक विसर्गने लगेगा, महोदय भगवान बहुत दानशील है, खलु भगवान माने आप, लिख लो भगवान का मीनिंग क्या होता है, आप। आप पेंसिल है आपके पास? ये सब है क्यों? हाँ, पेंसिल से लिखा करो, थोड़ा सा पेनिट्रेटिंग बनाओ, इसको पतली बनाओ, शार्प करो, ठीक है। बहुत भगवान माने आप, बहु माने बहुत, दानशील माने दान देने वाले, हाँ दानशील है, खलु माने निश्चय ही है, डेफिनेटली। खलु का मतलब होता है डेफिनेटली, हाँ निश्चय ही आप बहुत दान देने वाले हैं। सर्वदा हस्तेन दानम करोति, सर्वदा माने हमेशा, ऑलवेज, हमेशा हमेशा। हस्तेन माने हाथ से, हस्त माने हाथ, हाँ हिंदी में भी पढ़ा होगा आपने, हस्त मीन्स हाथ, और ये नहीं समझ तृतीय आया, हाथ ही पढ़ा हमेशा से। हमेशा पढ़ा है, लेकिन हिंदी अगर शुद्ध लिखोगे तो हस्त हाँ लिखा है ना, और संस्कृत में तो हस्त ही लिखा जाएगा। तृतीय विभक्ति का एक वचन है, तृतीय का चिन्ह होता है हाथ के द्वारा या हाथ से, हाथ हाँ से दानम करोति, दान करते हैं। दान के सर्वदा माने हमेशा हाथ से दान करते हैं, न जानी में किंती यहा स्वर्ण मुद्रा भवता हस्तात निर्गच्छति, न जानी में, न जाने, ना जाने ना जाने कियंती है माने कितने, कितनी, हाउ मैनी। हाँ स्वर्ण मुद्रा माने सोने की मुद्रा, पहले जमाने में क्या चलता था, सोने के कॉइन चलते थे, जैसे आजकल 10 रुपए का कॉइन देखा होगा आपने, 5 रुपए का दस कॉइन पांच रुपए का। है ना, तो पहले हाँ स्वर्ण मुद्रा चलती थी, गोल्ड की चलती थी, तो किसी भी चीज के लिए उसकी कीमत सोने में जानी जाती थी, कितने की मुद्रा है, कितने का कॉइन है, ये उसके हिसाब से उस जमाने में होता था। अब हमें तो इतना पता नहीं है, लेकिन कुछ भी रहा होगा, सोना तो कॉस्टली होता ही है। तो न जाने कितनी स्वर्ण मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा को आप स्वर्ण मुद्रा ही लिखेंगे, कितनी स्वर्ण मुद्रा भवते हस्तात निर्गच्छन्ति, भवते माने आपके, लिख लो आपके, हस्तात हाथ माने हाथ से, पंचमी से का एक वचन, आपके हाथ से निर्गच्छन्ति माने निकल जाती है, न जाने कितनी स्वर्ण मुद्रा आपके, सोने की मुद्राएं आपके हाथ से निकल जाती है, यानी इतना दान देता था अकबर, बहुत दान देता था, बहुत डोनेट करता था, चैरिटी बहुत करता था। तो कहता है ना जाने कितनी स्वर्ण मुद्रा निकलती होंगी, कुछ पता नहीं है, बहुत देता था अकबर, दान बहुत करता था। येन तत्र केशानां प्रवर्धनम एव न अभवत, येन इस कारण से, जिसकी वजह से, इस लिखो, कारण। हाँ, हाँ जिसकी वजह से, तत्र माने वहां पर केशानां प्रवर्धनम, केशों की हाँ उत्पत्ति, बढ़ोतरी, प्रवर्धनम माने कहते हैं बढ़ोतरी, ग्रो, ग्रोइंग, इंग्लिश में क्या कहेंगे हम, ग्रो, ग्रोथ। ग्रोथ एव न अभवत, इसलिए बढ़ोतरी नहीं हुई है, अभवत माने हुई, हुई, ग्रो नहीं हुई है। हाँ, इसलिए नहीं, क्योंकि आपके हाथ से तो ना जाने कितनी गोल्ड कॉइन्स निकलती थी, इसलिए हाथ में आपके बालों की बढ़ोतरी नहीं हुई है। ठीक अकबर उच्चे अहसत, उच्चे माने जोर से, अहसत माने हसन, और लगा के पास्ट टेंस बन जाता है, हंस ठीक है। माने हंसना, बिल्कुल सिंपल आ रहा है, हसन। अवदत चे और बोला, अवदत भी पास्ट टेंस है, और बोला, क्या बोला, बहु शोभनम, बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर या बहुत अच्छी बात है, शोभनम माने सुंदर, बहुत सुंदर या बहुत अच्छा, कहते हैं ना, वेरी गुड, आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया,
एव तरही तब कर चली हो केशा की मर्थम न सुनती। यदि एवं एवं मन इस प्रकार का, यदि इस प्रकार की बात है तरही माने तो, लिखो तरही का मीनिंग क्या होता है, तो तो तब माने तुम्हारे, करतली ठीक हो करतली में यानी हथेली में केशाह किमर्थम न सन्ति, बाल क्यों नहीं है, किमर्थम माने क्यों, क्यों नहीं है तुम्हारे हाथ में बाल, क्यों नहीं है, तुम तो कोई ठीक दान है। नहीं देते हो। मैं तो हाँ चलो दान देता हूँ, आपने कहा मैं दान देता हूँ इसलिए मेरे हथेली में बाल नहीं आए हैं। तंतु दानम न यच्छसि खलु, तो मैंने तुम लिखो, तुम भी तुम, यू YOU, ठीक है। तुम मैंने तो, तुम तो हाँ दानम न यच्छसि, दान नहीं, यच्छसि माने देते हो, तुम तो दान नहीं देते हो, खलु माने निश्चित ही तुम तो दान नहीं देते हो, तो तुम्हारे हाथ में क्यों बाल आए। सत्य महाशय, सत्य है महाशय जी, सत्य है। श्रीमान जी सत्य है ये बात है। अहम तो दानम न ददामि, अहम माने मैं, लिख लो मैम सत्य यानी सत्य है ये बात, इट्स वेरी ट्रू, अच्छा जैसे कहते हैं ये तो बात ठीक कहा आपने, इंग्लिश में क्या होंगे, इट्स वेरी ट्रू हाँ है ना, हाँ तो मैम आप उनको सत्य को सत्य लिखो, सच भी लिख ठीक सकते है। हो आप, है ना, सच है महोदय या सच है श्रीमान जी। अहम तू दानम न ददामी, अहम माने मैं, तू माने तो, मैं तो दानम न ददामी, ददामी माने देता हूँ, मैं देता तो दान मतदान। न माने नहीं, मैं तो दान नहीं देता हूँ, किंतु भवतः दानम अहम सर्वदा हस्तेन स्वीकरोमि, किंतु भवते माने आपका दान, अहम माने मैं, आपका दान मैं सर्वदा हमेशा हस्तेन एव, यहाँ संधि विच्छेद है, हस्तेन माने हाथ से, ए माने ही, हाथ से ही हाँ स्वीकरोमि, स्वीकार करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, समझ में आया तो आपको। हाँ इसका ये हुआ कि सच महोदय मैं तो दान तो देता नहीं ही देता नहीं हूं, हूँ, किंतु आपके दान। को हाँ दान को मैं तो, मैं तो मैं सर्वदा माने हमेशा, मैं हमेशा हस्तेन माने हाथ से ही स्वीकार करता हूँ। देखो देने वाले का हाथ ऐसे होता है, देख रहे होंगे, ऐसे हाँ देता है ना कोई भी, और लेने यस वाला मैम। कैसे लेता है, ऐसे लेता है, तो कह रहा लेता तो मैं यही से हूँ, आपने दिया मैंने लिया हाथ में, तो आप देने वाले थे इसलिए बाल नहीं आए, मैंने इन हाथों से स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया आपका दान, तो इसलिए मेरे हाथ में बाल नहीं है, समझे। अब आप हाँ मैम पहले बात को समझ लो तो बड़े जल्दी अर्थ भी समझ में आ जाता है ना, आपने दिया और मैंने उन्हीं हाथों से लिया अपने हाथों से, इसलिए ना तो आपके हाथ में बाल आए ना ही मेरे हाथ, ठीक है। ठीक है। अत मम मम कर्तल्यो अपि केशा उत्पन्न न अभवन, अत माने इसलिए, सो या देयरफोर, मम माने मेरे, कर्तल्यो अपि यहाँ संधि है, कर्तल्यो अपि कर्तल्य मतलब हथेली में भी केश उत्पन्न न अभवन, केश उत्पन्न नहीं हुए, अभवन माने हुए, इसलिए बाल उत्पन्न नहीं हुए मेरे हथेली में। अकबर पुनः उठे अहस अहसत, पुनः माने फिर से दोबारा से, उच्च अहसत जोर से हंसा, उच्च माने उच्च स्वर में हंसा, तेज आवाज में हंसा, अपृच्छत च और पूछा, और पूछा क्या पूछा, साधु साधु, साधु का मतलब होता है हे सज्जन व्यक्ति, हे सज्जन श्रेष्ठ व्यक्ति, किसको कहा उसने, बीरबल को, मैं सज्जन व्यक्ति यानी जेंटलमैन, अच्छा जेंटलमैन। इंग्लिश में आप क्या कहते हैं, जेंटलमैन, संस्कृत और हिंदी में क्या कहते हैं, साधु साधु, अरे सज्जन व्यक्ति, अरे सज्जन व्यक्ति, अच्छा मतलब जैसे इंग्लिश में कहते हैं ओ जेंटलमैन लिसन टू मी, मेरी बात सुनिए जेंटलमैन,
यदि इदम सत्यम, किंतु यदि इदम अनि यह, किंतु यदि यह सत्यम है, सच है, तरही तो, तरी मन तो, मम सभा सदानम, मम मन मेरे, सभा सदाना मन सभा सदों के, करतलेषु हथेलियों में, केशा किमर्थम न सन्ति, बाल क्यों नहीं है। लेकिन और सभा सदों के भी तो हथेली में बाल नहीं है। ठीक है, मैंने दान दिया और आपने लिया, तो इसलिए दोनों के ही बाल नहीं है, लेकिन दूसरे सदस्य के तो बाल है, क्यों नहीं है बताओ। समझ में आया यहाँ तक? हाँ मैम, बीरबल थोड़ा इसका रीजन बता देते हैं। किंचित विचिंत्य, किंचित माने कुछ, विचिंत्य माने सोचकर, थोड़ा सोचता था वो, जरा सा 1 सेकंड का टाइम लगाता था दिमाग पर जोर डाल करके, कुछ सोचकर, लिख लो इसको, किंचित माने कुछ, विचिंत्य माने सोचकर, उसको महाराज यदा भवानं मह्यं दानं ददाति, यदा, महाराज जी कहते हैं ना सर, बड़े होते हैं तो उनको महाराज वगैरह बोल देते हैं, या महानुभाव बोल दिया, महाशय बोल दिया, कुछ भी कह दिया, महाराज को महाराज ही लिखो आप। अच्छा, महाराज ठीक है। यदा भवान, यदा माने जब, भवान माने आप, मह्यम दानम ददामि, ददाति, मह्यम माने मुझको, भवान माने आप मुझको दान देते हैं, अहम स्वीकरोमि, मैं स्वीकार करता हूँ, मम प्रति भवतः स्नेहम दृष्ट्वा एते सभासद ईशा भावे किमपि न कुर्वन्ति, तो मम प्रति माने मेरी तरफ, भवत माने आपके, आपके लिख लो, आपके भवत माने आपके, षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, आपके स्नेहम दृष्ट्वा, स्नेह को देखकर, स्नेह जानते हो, प्यार को देखकर, लव अच्छा को देखकर, यानी आपके अटैचमेंट को देखकर मेरे हाँ प्रति, समझ गए। एते सभा सदा, एते माने ही, सभा सद मतलब ये सभा के सदस्य जितने भी है ना, मेंबर्स, कोर्ट के हमारे मेंबर्स जितने भी हैं, ईर्ष्या भावे, ईर्ष्या जानते हो, जेलसी, जेलसी के भाव से, ईर्ष्या के भाव से, ऐसे कैसे लिखोगे, ईर्ष्या के भाव से, किम अपि न कुर्वन्ति, किम अपि माने कुछ भी, न कुर्वन्ति, नहीं करते, इनको ईर्ष्या का भाव बहुत होता है, जब आप मुझे देते हैं और मैं स्वीकार करता हूँ, तो दूसरे लोग जलन के कारण कुछ भी काम वो नहीं कुछ ध्यान नहीं, करते, कुछ कोई काम नहीं करते। भी काम नहीं करते, कुर्वन्ति माने करते हैं, किम हाँ अपि माने कुछ भी, कुछ अपि भी माने ध्यान नहीं करते। भी, हाँ कुछ भी नहीं करते हैं, ते केवलम हस्तमर्दनम कुर्वन्ति, वे तो, ते माने वे, ते कमीन इंग्लिश को वे, वे बहुवचन प्लूरल, केवलम हस्तमर्दनम एव कुर्वन्ति, वे तो केवल हाथ को ही मलते हैं, जब हाथ आप को मुझे देते और मैं आपसे लेता हूँ, तो वो कुछ नहीं करते हैं जलन के कारण, बल्कि हाथ को मलते हैं, ऐसे देखो, ऐसे ऐसे हाँ मलते समझ हैं, गया। समझ गए ना, हाँ हेल्पलेसनेस, कि हम क्या करें, हमें तो कुछ दे ही नहीं रहा, महाराज जी राजा जी हमें तो कुछ दे ही नहीं रहा, सब कुछ इसे बीरबल को ही देते रहते हैं, क्योंकि बीरबल बहुत इंटेलिजेंट था, वो कुछ ही बात कहता था तो अकबर अगर, तो जवाब ऐसा देता था कि वो उसको हर जवाब के ऊपर एक कॉइन जरूर दे देता था, एक दे, उसकी मर्जी होती थी, जितना भी दे दे वो खुश होकर दे देता था, तो ये सब देखकर दूसरे सभासदों को जलसी होती थी, इसको तो इतनी कौड़ियां देते रहते हैं राजा जी, और हमें कुछ नहीं मिलता, तो वो केवल हाथ मलते ही रह जाते, रब करते रह जाते थे। अकबर उच्च स्वरेण हंसती, उच्च स्वर से हंसता है, उच्च आवाज, स्वर माने आवाज, उच्च ऊंची आवाज में हंसता है, कथयति च, और कहता है, कथयति का मीनिंग लिखो, कहता है और कहता है, क्या कहता है, अतीव शोभनम भो, भो माने आप, अतीव माने बहुत अधिक, शोभन माने सुंदर, अच्छे, आप बहुत अच्छे हैं, भवतः चातुर्यम बुद्धि पाटनम च दृष्ट्वा अहम बहु प्रसन्न अभवम, भवते माने आपकी चतुराई और बुद्धि पाटवम,
और बुद्धि की बुद्धिमत्ता को, बुद्धिमत्ता को इंग्लिश में क्या कहोगे, विजडम, इंटेलिजेंस। हाँ इंटेलिजेंस या विजडम कह सकते हाँ न। को दृष्टवा माने देख कर लिख लो, दृष्टवा का मीनिंग लिख लो। देखकर अहम बहु प्रसन्न अभवम, मैं बहु माने बहुत प्रसन्न हुआ, अभवम माने हुआ, मैं बहुत प्रसन्न हुआ आपकी बुद्धिमत्ता को देखकर, इंटेलिजेंस को देख मैं बहुत प्रसन्न हुआ। सत्य तंतु अमूल्यम रत्नम अस्ति मम सभाया, तो माने तुम, तो तू माने तो, तुम तो अमूल्य रत्न, रत्नम अमूल्य इनवैल्यूएबल रत्न हो, अस्थि माने हो, मम सभा सभाया मेरी सभा के अमूल्य रत्न हो। समझ में आया, अमूल्य अमूल्य माने इनवैल्यूएबल, जिसकी कोई वैल्यू नहीं की जा सकती, अमूल्य रत्न रत्न को मतलब रत्न हो, हीरे यानी हो। कोई व्यक्ति। हाँ, उसने कहा तुम तो अमूल्य रत्न हो मेरे सभा के, रत्न बड़ा कीमती चीज होती है ना, कोई भी रत्न, हीरा हो, फिरोजा हो, पुखराज हो, ये सब चीजें बहुत कॉस्टली आते हैं, और आजकल तो डुप्लीकेट चलता तो कुछ भी आता, लेकिन पहले जमाने में डुप्लीकेट थोड़ा चलता था, सब ओरिजिनल होता था, तो दैट वाज वेरी कॉस्टली इन दैट टाइम। तो उसने कहा कि तुम तो मेरी सभा के बहुत ही कीमती रत्न हो। आगे लेसन समझ में, समझ। अगर यू आर फीलिंग कंफर्टेबल यू कैन रिवाइज इट विद मी। बोलो, चलिए शुरू से पढ़ के बताइए मेरे को, तब ठीक, ठीक है, बस एक मुझे एक चीज समझ में नहीं आई इसमें। जो नहीं आई वो पूछ लो, कोई बात नहीं। यस मैम, इसमें मुझे ये वाला समझ में नहीं आया। अब इसमें जो पेज नंबर 66 में अकबर का थर्ड वाला जो है ना, मैं मुझे वो समझ नहीं आया। थर्ड बी वाला वाला, नहीं, ये थर्ड वाला अकबर। पैराग्राफ। अच्छा, हाँ, उच्च ही अहसती वाला। यस मैम। चलो, उच्च माने तेज आवाज, ऊंची आवाज, अहसत माने हंसा, तेजी से या ऊंची आवाज में हंसा, अवदत चै और बोला। अवदत का मीनिंग लिख लो, बोला, और और बोला। बोला यानी हंसा बहुत जोर से, और फिर बोला, क्या बोला, बहु शोभनम, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, कहते हैं ना वेरी गुड, इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं, वेरी गुड, संस्कृत में क्या बोले हैं, बहु शोभनम, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। यदि एवं तरही तब कर्तलियो केशा की मर्थन संति, यदि एवं तरही ऐसा है, एवं माने इस प्रकार है या ऐसा है, तरही माने तो, तब कर्तलियो तुम्हारे हथेली के केशा बाल की मर्थन संति, क्यों नहीं है, तो तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं है हाँ ना। उसने कहा अगर ऐसा ही है कि मैं दान देता हूं तो तुम्हारी हथेली, तुम तो दान ही देते हो, तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं है। तुम तो दानम न यच्छसि खलु, तो माने तुम, तू माने तुम तो दानम न यच्छसि, यच्छसि माने देते हो, तुम तो दान नहीं देते हो। निश्चित खलु माने निश्चित रूप से, डेफिनेटली, श्योरली, हाँ हम ये कहते हैं ना, डेफिनेटली यू डू नॉट गिव एनी डोनेशन, तो संस्कृत में क्या कहेंगे कि आप क्यों नहीं, आप तो दान नहीं देते हो निश्चित रूप से। आगे समझ में, मैम। चलिए आप शुरू से पढ़िए, स्कूल में पढ़ा दिया लेसन। ये वाला नहीं पढ़ाया अभी, क्योंकि अभी अच्छा ऑनलाइन क्लास चल रही है हमारी, क्योंकि अच्छा ज्यादा ठंड की वजह से। तो आज अभी हमारी कल क्लास होंगी संस्कृत की, तो अच्छा देखते कल हैं कुछ करते होगी, हैं। यस चलो मैम। एक बार मेरे से पढ़ोगे तो फिर उसके बाद स्कूल के टीचर पढ़ाएंगे, तब तो आपको अच्छी तरह समझ और भी पक्का हो जाएगा। बोलिए, मैम, अकबर रहा, बीरबल सभायाम, रहा, सभायाम अकबर रहा, बीरबल रहा, सभा सदा च। सभा बोलिए, में अकबर, बीरबल और बहुत सारे
सभासद, सभा के लोग। हाँ, हाँ सभा के लोग कह दो, सभा सदस्य कह दो। अकबर, बीरबल, मम शरीरस्य शु सर्वेषु सर्वेषु अंग अंगेषु अंगेषु केशः सन्ति, किन्तु मम कर्तलयो केशः किमार्थः न सन्ति, किमर्थम किमर्थम। किमार्थं न सन्ति। बोल। बीरबल, मेरे शरीर के सारे मेरे शरीर के सारे अंगों में अंगों में बाल हैं, मगर मेरे मेरे दोनों अकेले हथेलियों यानी हाथ के हथेलियों पे अकेले बाल, क्यों हाँ नहीं है। क्यों नहीं है। बीरबल, चिंतित चिंतित्व बोलो। चिंतित सोच मतलब टेंशन कर, कह सकते हैं, ये सोच के, सोच कर, त्वा सोच माने कर, सो चिंता माने चिंता करके, यानी सोच कर, विचार कर, लिख लो सोच सोच कर। कर। महोदय, भगवान बहुत बहु दानशीला, बहु दानशीला खलु। खलु, सर्वदा नहीं, पहले आप इतने हस का बताइएगा, थोड़ा थोड़ा बताइए, बीरबल सोचता है। महोदय, सोच कर बोला। सोच कर बोला, महोदय हमारे, नहीं, भगवान माने आप, एक एक शब्द कर बताओ, संस्कृत में एक एक शब्द का ट्रांसलेशन करना पड़ता है। भगवान मीन्स आप, लिख लो भगवान का मीनिंग लिखो। ये कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो याद नहीं रहते हैं, इनको लिख लेना चाहिए। भगवान माने आप, बहुत दानशील है खलु, आप तो बहुत दानशील है निश्चित रूप से। दान चाहिए वो पैसा वाला ना। हाँ, डोनेट करने वाले हैं, चैरिटी करने वाले हैं। दानशील को आप दानशील ही लिखोगे, लेकिन इसको मीनिंग को समझ लोगे, डोनेट करने वाले या चैरिटी करने वाले हैं। आप तो बहुत चैरिटी करते हैं, तो आप हिंदी में लिखेंगे आप तो बहुत दानशील हैं। चलिए, सर्वदा हस्तेन दान दान करती। करोति, हमेशा हाथ से दान करते हैं। जो न जानी मैं, न जानी। ना जानी मह ओके, कियन्त्यः कितने? सुवर्ण सुवर्ण मुद्रिका हाँ, मुद्रा। हस्तात मुद्राः भवतः हस्तात् निर्गच्छन्ति। न ना जाने, जाने। हाँ ना जाने कितने सोने की मुद्रा, मुद्री मुद्रा का मुद्रा ही लिखो। मुद्रा कितनी सोने की मुद्रा इंग्लिश आपके मुद्रा हाथ। समझ लो, मुद्रा मीन्स कॉइन, गोल्ड कॉइन होते हैं। ना हाँ, जाने कितने सोने की मुद्रा, भवते हस्तात, भवते माने आपके, लिख लो, भवतः आपके, हस्तात माने हाथ हाथ से, से निर्गच्छन्ति माने नहीं निकल जाती द, हैं। ना जाने कितनी निकल जाती हैं आपके हाथ से, तो ये ये द तत्र केशानं प्रवर्धनं प्रवर्धनम्, एव प्रवर्धनम् प्रवर्धनं एव न अभवत्। ए न अभवत। हाँ, इस ये कारण जिस से कारण से, हाँ, वहां वहां पर केशों वहां का, पर प्रवाह उगते मतलब बड़े नहीं होते, केशों की उत्पत्ति की वृद्धि नहीं हुई है, बस हिंदी में मगर जो इसको हम क्या लिखते कहेंगे, मतलब बड़े नहीं होंगे या उगते नहीं है। हाँ, लेकिन आप उसको हिंदी में लिखेंगे वृद्धि, इंग्लिश में नहीं, सॉरी, हिंदी में वृद्धि कहेंगे। अच्छा, वृद्धि बढ़ोतरी को कहते हैं वृद्धि। एक शब्द लिख दो, वृद्धि मतलब ग्रोथ नहीं हुई है, इसलिए ग्रोथ नहीं हुई है, डेवलप नहीं हुआ है। वृद्धि नहीं हुई है। ओके, अकबर, ऊंचे उच्च अहसत ओके, अहसत अवदत् और तेज वो आवाज में जोर से हंसा हंसते, जोर तेज आवाज से हंसते और बोले, और बोला शोभन। बहु शोभनम बहुत अच्छे, यदि यदि तुम तरही एवं तरही तव तब कर्तलयो कर्तव्य हो केशाः किमर्थ मतलब
न किमर्थम सन्ति। यदि तुम्हारे हाथ, तुम्हारे नहीं ऐसे मत हाथ। बोल, यदि एवं यदि ऐसा है एवं ऐसा है, लिखो इसको साथ के साथ। ऐसा एवं का होता है इस प्रकार है या ऐसा है, यदि ऐसा है तरही माने तो तब तो का इसका करें तुम्हारे मैम, इसका तो फिर तुम्हारे हथेली पर, मैम तो ये होगा ना, तुम्हारी हथेली हथेली पे बाल क्यों नहीं है, जबकि अः पर क्यों नहीं है। तुम तो जबकि तुम कुछ जानम नहीं अच्छे थी। तुम दान भी नहीं देते हो। हाँ तब बीरबल ने क्या कहा बोलो। बीरबल महाशय, अहम तु दानम ना ददामि किंतु भवतः दानम अहम सर्वदा हस्ते नैव स्वीकरोमि। स्वीकरूंगी, इसका मतलब स्वीकरूंगी माने स्वीकार करता हूँ, मैं देता नहीं हूँ पर स्वीकार तो करता हूँ, देता हाँ, तो हूँ सच ही। सच है महाराज, यानी महोदय या फिर महाराज, मैं तो दान नहीं देता हूं, किंतु आपका दान को, मैं आपका दान हमेशा को मैं हमेशा हाथ से ही हाथ से स्वीकार करता हूँ, आता इसलिए है पर मेरे हाथों हथेलियों में बाल ठीक नहीं उगे, यानी है उत्पन्न हुए। आगे बढ़ो अब अकबर पुनः उच्चे नहीं आ हसत पुनः आह मैंने अगेन फिर से। हाँ बहुत जोर से हंसा। साधु साधु अपृच्छत किंतु अच्छा और पूछा, अपृच्छत का मीनिंग लिखो हिंदी में पूछा, और पूछा, पास्ट टेंस। अच्छा अ ठीक है मैम। लगाते ही पास्ट टेंस बन जाता है। अवदत बोला, अहसत हंसा, अगच्छत गया और बोला क्या बोला साधु 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 किंतु यदि इद इदम संत्यम इदम इद सत्यम। संत्यम हे सज्जन पुरुष किंतु यदि यह इदम माने यह, किंतु यदि यह सत्य है तरही माने तो मम सभासद सदानम मेरे सभासदों के करतले सुमन हथेलियों पर केशा के मर्थम न संति किस लिए नहीं है बाल। अगर ये सच है कि मैं देता हूं और आप लेते हो इसलिए बाल नहीं है, लेकिन सभासदों के भी नहीं है क्यों? बीरबल किंचित विचिंतित सोचकर विचिंत सोचता महा सोचकर कर होता है, क्या सोचकर लगा करके कर हो जाता है। अच्छा महाराज, यदा भावन मायम तुम्हारा दानम दद्दति अहम स्वीकारोमि। दानी महाराज, अहम यदि भगवान माने आप, भगवान का आप, मीनिंग लिखो आप, मैया माने मुझे यानी इसको लिखो। तो महाराज, तब आप मुझे मतलब दान करते हैं तो मैं उसको स्वीकार करता हूं हाँ स्वीकार करता हूँ। मम प्रति भवतः मम प्रति, मम नहीं मम है, मम और माम मम में अंतर है। मम माने मेरा और माम माने मुझको। अच्छा हाँ इसलिए माम मैंने प्रति तुम्हारा को भवतः सने दृष्ट्वा दृष्टावा एता सभा सदाह ईर्ष्या भावे ईर्ष्या भावे किमापि न कुर्वन्ति। मुझे प्रति के मीनिंग मान होता है प्रति माने मेरी और मेरी हमेरी और या मुझे मुझसे, बस सीधे करो अच्छा मुझसे। भवते माने मुझसे आपके स्नेह को देखकर मेरे प्रति, प्रति मेरे माने पति आपके मेरे यानी बिहेव को लिए, देखकर, हाँ मेरे प्रति या मेरे मेरे लिए, पति प्रति का मीनिंग को लिखो आप देखकर लिए। ठीक है, सभा सदा के लोगों को
जेलेसी, जलसी आप नहीं लिखोगे, ईर्ष्या को ईर्ष्या ही लिख दो भले, जलन भी लिख सकते। ईर्ष्या, हाँ, ईर्ष्या का मतलब होता है ईश, जलसी। ईर्ष्या से वे कुछ भी काम नहीं करते और वह अपने हथेलियों को मसलते रह जाते, हाँ, इसलिए बाल उत्पन्न नहीं हुए, बाल नहीं उगते। बाल नहीं अब उगे। हाँ, अब बाल, हम पास्ट टेंस है, इसलिए इनके बाल नहीं उगे, वो हथेलियों को मलते रह जाते हैं और कुछ करते नहीं है, ना देते हैं ना लेते हैं, केवल जलन करके जलसी करके बस हाथों को रब करते रह जाते हैं, इसलिए उनके बाल नहीं उगे। उसकी इंटेलिजेंस सही है। आगे उच्च बोलिए। स्वर्ण हस्ति हाँ, कथयति च, इसका और मतलब जो अकबर होते हैं वो बहुत जोर से हंसते हैं और अच्छा कहते बोलते हैं, अति शोभनम हैं। बहु, तुम बहुत अच्छे हो। हाँ, भो माने आप लिखना, अच्छा तुम के लिए आप त्वम बहुत होता है, भो ठीक है, आप बहुत का अच्छे हो। आप मीनिंग लिख लो, आप संस्कृत में वैसा ही शब्द का अर्थ लिखना पड़ता है। भावता चतुरे चतुराई हाँ, आपकी बुद्धि चतुराई और बुद्धिमत्ता, बुद्धि बुद्धिमत्ता। तत्व, बुद्धि हाँ, तो आप तत्व इसको कहेंगे बुद्धि, इंटेलिजेंस, बुद्धि तो ऐसे कैसे लिख दू, और मत्ता को कैसे लिखोगे, मैं और डबल मैं। बनाओ, डबल तय बनेगा, एक आधा बनेगा एक पूरा बनेगा, और आ की मात्रा, ठीक है आधा जो बनाते हैं उसमें लाइन नहीं खींचते हैं, समझे। ठीक है। था अहम बहु प्रसन्न, प्रसन्न 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 अभाव, मैं तो आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। इंप्रेस्ड हूँ, बहुत हाँ, प्रसन्न हूँ। या आई एम हैप्पी विद यू, आई एम सत्य, प्लीज विद यू। सत्यं त्वं तु अमूल्यं, सत्य माने सच है। हाँ अमूल्यं रत मास रत्नमस्ति, अमूल्यम। रत्नमास्ति आप मम तो मेरे सभाया, सभा सभा की अमूल्य रत्न है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है। हाँ, वैसे उसको ये भी कहते हैं इनवैल्यूएबल, जिसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता, इतने कीमती रत्न मेरे लिए। ठीक है मैम, ठीक है, आगे समझ में। यस मैम। अच्छा, अब संस्कृत की इसको लिख भी लेना आप, ठीक है आज उसके लिए, इसको रात को लिख लेना और फिर मुझे पिक भेज देना। ठीक है मैम। आपने मैं वो लास्ट के चेक कर लिया था, हाँ, किया था, ठीक है। काफी ठीक है। अभी इस वाले को भी भेज देना, तो तुम्हें रिवीजन भी हो जाएगा, और कल जब टीचर पढ़ाएंगे ना तो आप आगे आगे सुनाते जाएंगे, देखना ठीक है मैम। अच्छा रिवीजन हो जाएगा आपका। फिर आप जब थर्सडे को आएंगे तो इसकी एक्सरसाइज कराते हैं, ठीक है। ठीक है मैम, इतने कर रहा हूँ आज मैं, कोई हाँ आपको भाई, प्रॉब्लम इतने नहीं ना कर, मैम। हाँ पेन है, थोड़ा रेस्ट करो, और सर पे कुछ ना कुछ कैप वगैरह लगाओ, मफलर लगाओ, और थोड़ा सा लॉन्ग वाली चाय पी लो। मैं नहीं चाय नहीं पीता मैम, चाय नहीं पीती तो कोई बात नहीं, गर्म पानी में लौंग और अदरक डाल के पी लो, अच्छा थोड़ा सा यस मैम। ल्यूक वार्म होगा, उसको पी लीजिए और मुंह ढककर सो जाइए, थोड़ा सा मतलब मुंह ढक लो, चाहे सो मत, अंदर ही ब्लैंकेट में मुंह ढक लीजिएगा, आप कवर कर लीजिए, थोड़ा पसीना सा हल्का सा अगर आ जाता तो बहुत अच्छी बात है, और एकदम हवा में मत निकलना बाहर, लेटे रहना आप, तो तबीयत ठीक हो जाएगी। ठीक ठीक है है, मैम, बहुत थैंक अच्छी यू मैम, बाय बात मैम। है। ओके, बाय।